पूरी दुनिया को बताए कि वी हैड अभिनंदन, सो यू नो वी आर विनर्स क्योंकि वी हैड हिम। एक्चुअली पाकिस्तान की तो शुरू से आदत ज्यादा क्लेम करने की रही है। पूरी रात एक सॉर्ट ऑफ डर सा था बिकॉज़ वी कुडंट स्लीप, तो आई वाज वेरी मच अपडेटेड विद कि ट्विटर पे क्या चल रहा है। 4 बजे तक आई वाज अप। अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट्स आई थिंक अराउंड 300 लोगों की डेथ हुई थी। ट्विटर खोला तो उस पर ट्रेंडिंग में था, तो मैं थोड़ी शॉक थी कि ये क्या हुआ एकदम से ना, कि बस अब हम लोगों ने घर में कैद हो जाना है या कहीं कोई कर्फ्यू तो नहीं लगने वाला। ये खबर हमें मिली सुबह उठते ही कि क्या कहते हैं इंडिया ने एयर स्ट्राइक करा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो हमने लगा लिया था कि ये फिर से पाकिस्तान को सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए इंडिया ने कुछ जरूर किया होगा। हिट मी हार्ड, थोड़ा सा गुस्सा आया, उसके बाद पूरा दिन ये हुआ कि यार ये हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान में क्रॉस कर ले, और एज दे क्लेम्ड इंडियन मीडिया और इंडिया के जो लोग थे देवर क्लेम की 22 मिनट तक हम पाकिस्तान के अंदर थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अनॉय करी थी पूरा दिन। मैं एक बहुत जज्बाती किस्म की पाकिस्तानी, दरख्त अगर आप उनको इंसान कहते तो वो हलाक जरूर हुए थे, इंसान इंसानी जान को जाए नहीं थी। एग्जैक्टली तो कोई मतलब कंफर्म तो नहीं है ना कि कितने लोग मारे गए हैं, अलग अलग सोर्सेस 150 से लेकर के 300 तक के भी आंकड़े आए हैं। इंडिया ने तो काफी सारे कोई 250 के करीब शायद क्लेम किया था कि हमने वहाँ पे लोग मारे, लेकिन ना ही उनकी कोई वीडियो सामने आई ना कोई तस्वीर सामने आई। ठीक है, तो 20 विमानों का वहाँ जाना और वहाँ पर जाकर उस पूरे जो जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको पूरी तरह से विध्वंस कर देना, उसको क्या कहते हैं खत्म कर देना, जिस तरह के बमों का भी जो इस्तेमाल हुआ था वो पेनिट्रेशन वाले बम थे, उन्होंने पहले बिल्डिंग को पेनिट्रेट करा फिर वहां जाकर उन्होंने ब्लास्ट किया। आई वुड से कि दे माइट हैव यू नो पॉइंटेड सम प्लेसेस टू अटैक एंड सी इफ देयर आर टेररिस्ट एज दे बिलीव कि मुजाहिदीन भी टेररिस्ट्स हैं, सो उन्होंने वही कुछ करने के चक्कर में किया होगा ट्राई एंड एक सॉर्ट ऑफ बैडली मिसफायर्ड। इट वाज लाइक अ फॉग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बट सिग्निफिकेंट डैमेज था बिकॉज 27 को मतलब पाकिस्तान का रिस्पांस जो था दैट वाज दैट हिट द नेल ऑन द हेड बिकॉज रिस्पांस वाज लाइक वेरी क्विक। अम्मा की आवाज पे मैं उठती हूँ एंड वाज लाइक के पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, एंड देन इट वाज एन इमोशनल मोमेंट, आंसू भी थे आंखों में एंड इट वाज हैप्पीनेस। जब अभिनंदन कैप्चर हुए और उसके बाद से तो पल पल ऐसा हो रहा था कि जिस भी सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है आप उसे देखें। जब हमने ये सुना कि इस तरह से इंडिया का एक जहाज गिरा है तो काफी हम पुरुमीद थे कि हाँ हमारी फोर्सेस जो है वो जाग रही हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करना जानती हैं। पाकिस्तान ने, मुझे नहीं पता इंडिया कितने गिराए थे, लेकिन मुझे ये पता है कि वी हैड अभिनंदन। जैसी मैं कह रही हूँ कि मैं ISPR को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, तो फिर मैं कहूँगी दो, लेकिन एविडेंटली अगर हम देखें तो अभिनंदन का लिहाज सिर्फ सामने आया था, तो आई वुड से वन। दो विमानों के विषय में जो है हमें जानकारी है, एक विमान जो विंग कमांडर अभिनंदन जिसे कैप्टन कर रहे थे और उनका जो विमान था वो सक्सेसफुली से बाहर भी आ गए, लेकिन दूसरा एक विमान जो गिरा था वो फ्रेंडली फायर में गिरा था। मोदी सरकार का प्रॉपर प्रोपेगेंडा था एक, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग करके, ठीक है, वहाँ पे खुद से एक अटैक करवाया है, ठीक है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने के लिए कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द पाल रहा है, ठीक है, और उन्होंने ये अटैक करवाया, जबकि अभी तक इंडिया कोई हमें उस तरह से पुलवामा अटैक के ऊपर कोई प्रूफ नहीं दे सका कि हाँ वो अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया है। इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैश मोहम्मद ने तो पहले ही जिम्मेदारी ले ली थी इस हमले की, तो हम क्या कहते हैं तब सोचे जब जैश मोहम्मद, अब सबको ही पता है कि भारत में इस तरह की जो हरकतें हैं, अपनी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, किस देश को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है और किसको सबसे ज्यादा इससे फायदा पहुंचता है, तो एक वो जो पैरिटी नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान को हमसे पावर में, वो अनकन्वेंशनल तरीकों से जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है उसमें जितने भी इनके सिपाही हैं आतंकवादी जितने भी हैं, जैश मोहम्मद ने पहले ही इसकी जिम्मेदारी जो है वो ले ली थी। पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी इस इंसिडेंट को लेके जो मीडिया में पोर्ट्रेल्स किए गए, जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज ने इसको इंडोर्स किया, और इंडोर्स
इसको इंडोर्स करने की बात नहीं है, बात यह है कि आप जंग को फरोग देने की बात करें। मेरे ख्याल से दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे काफी इस चीज का इम्पैक्ट है। आगे हर बार सरकार के ऊपर ये दबाव रहेगा कि इस तरीके की चीजें होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं फोर्स का सहारा लेना पड़ सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बस ठीक है, बस वहीं रहो यार, लड़ना नहीं, क्योंकि अगर लड़ गए आई डोंट नो हम जीतेंगे या हारेंगे, हम कोई बहुत बड़े यू नो बहुत एक ब्रेव कॉम है, लेकिन यार लड़ना नहीं क्योंकि बहुत टेंशन होती है, उसके इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं।